सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट हेल्प यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल पाए हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, स्मार्ट हेल्प में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में एक खास टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। वैसे आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा यहाँ पर सैंपल के साथ कि आप कैसे पता कर सकते हैं जो भी वीडियो में जो टॉपिक है उसके बारे में। तो फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस चीज़ के बारे में टॉपिक है। अगर आपके पास LED TV है और वो ख़राब हो चुकी है या फिर आप यूज़ कर रहे हैं, तो फ्यूचर में कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपके पास LED TV है और उसकी डिस्प्ले पूरी ब्लैंक हो चुकी है, यानी कि पूरी ब्लैक डिस्प्ले आ रही है, कोई भी सब्जेक्ट कुछ भी आपको वहाँ पर फुटेज अगर शो नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर आपके पास LED है और उसके अंदर अगर वीडियोज वगैरह या फिर फुटेज शो नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट कुछ भी डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है, साउंड आउटपुट आ रहा है यानी कि वॉल्यूम आ रहा है पर डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की जो बैटरी है यानी कि टॉर्च है, फ़ोन के पीछे जो फ्लैश है उसको ऑन करना है। उसको ऑन करने के बाद अपनी जो डिस्प्ले है उसके ऊपर आपको लाइट डालनी है, यानी कि TV चालू रखना है, LED चालू रखना है, उसको चलने देना है। उसके बाद आपको टॉर्च या फिर मोबाइल की जो फ्लैश है उसको ऊपर की तरफ लाइट करना है डिस्प्ले पर। फिर क्लोज आपको देखना है, अगर आप जहाँ एक बिल्कुल क्लोज से आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर सब्जेक्ट शो होगा, यानी कि जो भी आपका चैनल चल रहा है वहाँ पर वो शो करेगा फुटेज। उसका रीज़न ये है कि आपकी जो LED की जो बैकलाइट होती है, यानी कि जो पीछे की तरफ ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये बैकलाइट है, ये पैनल के पीछे लगती है, उसके ऊपर पैनल लगता है, ये बैकलाइट प्रॉब्लम होती है, यानी कि ये बैकलाइट ख़राब हो जाती है, डेड हो जाती है या फिर कोई भी पॉइंट ख़राब हो जाता है तो ही ऐसी दिक्कत आती है। तो मैकेनिक क्या करता है कि इस बैकलाइट का जो चार्ज है वो बहुत ही ज़्यादा वसूल कर लेता है। वो बोलता है कि आपका पैनल ख़राब हो चुका है, आपको पैनल चेंज करवाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले घर पे ही चेक कर लेना है कि आपकी LED में कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो 101% आपकी ये बैकलाइट स्ट्रिप है, ये ख़राब हो चुकी है। इसमें भी पूरी स्ट्रिप डालने की ज़रूरत नहीं है, जो जो पॉइंट ख़राब हो चुके हैं वो ही डलते हैं। जिस जिस कोने में LED के जो लाइट्स कम आते हैं या फिर पूरी LED में लाइट नहीं आती है, तो जो पॉइंट्स अगर ख़राब होगा उसकी वजह से सप्लाई आगे नहीं जा रहा होगा, तो दूसरी जो लाइट्स है, जो पॉइंट्स है, वो भी ख़राब हो जाते हैं, यानी कि चलते नहीं हैं। तो एक सही करने के बाद बाकी भी सही हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के LED पॉइंट्स होते हैं, ये आप सेंटर में आपको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट सेंटर वाला, यही जो LED पॉइंट्स है और ये 3 वॉट का है और ये रिप्लेसमेंट करवाना होता है। इन लाइट की वजह से ही आपको सब्जेक्ट आउटपुट दिखता है। इसका खर्चा अगर बोलूँ तो अगर ये आपके जितने पॉइंट्स चेंज करेगा उसके हिसाब से खर्चा है। वैसे अगर पूरी की पूरी अगर बैकलाइट स्ट्रिप अगर चेंज करवाते हैं आप, तो भी वहाँ पर खर्चा आपका 600 से 700 रुपये का होता है। यानी कि चार्ज ये होता है कि 500 रुपये का जो उसका मैकेनिकल जो चार्ज है खोलने का और फिटिंग करने का, और उसके बाद जो लगाने का चार्ज है 500 रुपये, यानी कि टोटली 500 रुपये ये चार्ज हो गया, और 500 से 600 रुपये इस बैकलाइट स्ट्रिप के या फिर LED रिपेयरिंग के, तो टोटली 1000 रुपये का खर्चा होता है। जबकि मैकेनिक क्या बोलता है कि इसके तो पूरा पैनल ख़राब हो चुका है या फिर वो ख़राब हो चुका है, ऐसा करके आपको 3000 से 3500-4000 रुपये का खर्चा बिठा देता है। तो ऐसे में आपको ऐसा बेवकूफ़ आपको नहीं बनना है। अगर कोई मैकेनिक आपको बोल रहा है कि इसका ये खर्चा है, तो दूसरे मैकेनिक के पास लेके जाओ, उसको ये बोलो कि मुझे उसने ये बोला था कि भाई बैकलाइट स्ट्रिप ख़राब है, तो वो समझ जाएगा कि इसको पता है कि बैकलाइट स्ट्रिप ख़राब है। आप वहाँ पर उसको बता सकते हैं कि साउंड आउटपुट आ रहा है डिस्प्ले में, जब टॉर्च हम करते हैं कुछ भी रोशनी डालते हैं तो वहाँ पर हमें सब्जेक्ट दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि बैकलाइट स्ट्रिप जब ख़राब हो जाती है तो ऐसी दिक्कत आती है। ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी कि आप सभी को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर ये बैकलाइट स्ट्रिप कहाँ मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी, ये उसी मैकेनिक के पास मिलेगी, स्ट्रिप की कोई ज़रूरत नहीं है, ये छोटे से LED पॉइंट आपको दिख रहे हैं, छोटे से LED पॉइंट, ये LED पॉइंट्स ही लगाने होते हैं, और ये उस मशीन पर हीट करने के बाद ये पॉइंट्स ईजिली निकल जाते हैं और इसके ऊपर दूसरे पॉइंट सेट हो जाते हैं। तो छोटा सा खर्चा है, ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो आप किसी मैकेनिक के पास जाकर बेवकूफ़ मत बनिए, अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए, ज़्यादा पैसे खर्च मत कीजिए, जितना खर्चा होता है उतना ही आप उसको दीजिए पैसे। यूँ नहीं कि आप खाली बैकलाइट स्ट्रिप ख़राब है और आप वहाँ पर पैसे दे के आ जाए पूरे पैनल के। तो छोटी सी वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि अगर आपका LED पूरा पैनल ख़राब हो चुका है या फिर क्रैक हो चुका है कोई भी कंपनी का, तो फिर आपको उसको चेंज करवाना चाहिए या फिर आपको उसके अलावा आपको क्या ऑप्शन आपको मिल सकता है, या फिर आपको चेंज करवाना चाहिए या फिर कोई और ऑप्शन है आपके लिए, तो इस पर वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अभी से शॉर्ट वीडियो आएगी, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि आप भी बोर नहीं होंगे और मेरी वीडियो भी फटाफट कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।